आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा एक हफ्ते में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा। चलिए आपको बताते हैं कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्या आदेश दिया है। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। दरअसल दिल्ली सरकार ने अब तक आरआरटीएस के लिए फंड ट्रांसफर नहीं किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर ये फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को आरआरटीएस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का सीधा आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस आदेश को तुरंत संज्ञान में लेकर और एक हफ्ते में 415 करोड़ देना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवंटित धनराशि को संबंधित परियोजना में ट्रांसफर करने का निर्देश देने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सिर्फ वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर इस आदेश को एक सप्ताह के लिए टाल रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एक हफ्ते के भीतर फंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस बीच फंड जारी नहीं किया गया तो हमारा आदेश अपने आप ही लागू हो जाएगा। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि आपके पास विज्ञापन के लिए 3 सालों का बजट 1100 करोड़ है, आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है। कोर्ट इस मामले में पहले भी दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है। दिल्ली के साथ साथ यूपी सरकार को भी ये फंड देना है। 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई करेगा। आपको बताएं कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ के बीच हाई स्पीड ट्रेन के लिए है। प्रोजेक्ट का काम जारी है और ये कुल 17 किलोमीटर लंबा है और इसे साल 2024 तक पूरा किया जाना है। अब देखना है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया देती है।